सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक तरफ सॉल्व नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गोविंदा को अब गोली लग गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा को गोली लग गई है। उनकी हालत पहले कहा जा रहा है कि नाजुक बताई जा रही थी, पर अभी कहा जा रहा है कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उनकी हेल्थ को लेकर। पूरी बात क्या है आपको डिटेल में बताते हैं, पर यहाँ पर एक तरफ अगर हम देखें तो सुशांत मामला आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि लोग 4 साल से पड़े हैं कि कब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब खबर ये निकल के आ रही है कि सुशांत मामला तो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, पर अब गोविंदा मामले की जाँच होनी शुरू हो गई है। बोला जा रहा है कि गोविंदा के हाथ से फिसल गई गन और गोली चल गई। खबर ये निकल के आ रही है, गलती से चली गोली गोविंदा के घुटने में लगी, लोडेड रिवॉल्वर से सुबह 4:45 बजे हादसा हो गया है। अब ये भैया सुबह 4-5 बजे रिवॉल्वर साफ करने की ज़रूरत क्या पड़ी गोविंदा को, ये कोई नहीं जानता। पर कहा यह जा रहा है कि जाने माने बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपनी ही रिवॉल्वर साफ करते हुए उनकी रिवॉल्वर से गोली चल गई और उनके घुटने में लग गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बोला जा रहा है कि दरअसल मंगलवार सुबह करीब 4:45 पर गोविंदा अपने घर से बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बाहर जाने से पहले गोविंदा अपना कहा जा रहा है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उनसे अपने ही रिवॉल्वर कहा जा रहा है कि हाथ से फिसल गई और वो नीचे जैसी ही गिरी, जिसमें कहा जा रहा है कि गोली निकल कर सीधा उनके घुटने में लग गई है। उन्हें कहा जा रहा है कि घायल हालत में पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के अनुसार गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट कर कहा जा रहा है कि गिरने से ही हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दावा यह हो रहा है कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोविंदा को ICU में भर्ती कराया गया है और इस मामले में जाँच की जा रही है 4:45 पर यह हादसा कैसे हुआ। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि गोविंदा कोलकाता जाने वाले थे, पर ये रिवॉल्वर सुबह सुबह साफ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है जो लोग भी पूछ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल से गोविंदा की वॉइस भी बाहर आई है, उन्होंने कुछ वीडियो शेयर करी है अपने फैंस के लिए। पर ये बड़ी खबर है कि अचानक से गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर छूटती है और हादसे में सुबह 5 बजे जो रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे उसी से गोली चल जाती है। इसके पीछे भी जांच हो रही है, पर अभी कहा जा रहा है कि उनकी हालत पहले से सही बताई जा रही है, पर अब देखने वाला विषय है कि जांच पूरी होने के बाद क्या सच निकल के आएगा इस पूरे मामले में, ये तो वक्त बताएगा। क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये कैसे हादसा हो गया अचानक से, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी साथ में, आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।